सो गाइस फाइनली हमारे ईवो टेक के यार ये डल चुके हैं फ्रेंड्स। हमने ये भी मंगवाया था यार यहाँ भाई, हमने फोक प्रोटेक्टर भी मंगवाए थे वो, पर अभी तक आए नहीं हुए। बाकी आरएनजी की रेडिएटर ग्रिल भी उस दिन डल गई हुई थी। ओ भाई ये क्या, ओ गाइस बाइक में वार्निंग ईएसडी की लाइट आना शुरू हो गई है, पता नहीं ये क्या है यार। सो हे गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस सभी को राम राम करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस परसों थी यार कॉकटेल मेरे घर पे, तो मैंने कि आपके पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कॉकटेल का ब्लॉग डालूंगा। उसके बाद यार मैंने सोचा मैंने ब्लॉग भी बनाया कॉकटेल का, बट मैं उसके बाद मैंने सोचा यार मेरे जो ब्लॉग है वो हर टाइप के मतलब बच्चे देखते हैं, छोटे भी देखते हैं बड़े भी देखते हैं भाई मेरे, तो यार मैं चाहता नहीं छोटे बच्चे यार जो है गलत इन्फ्लुएंस हो, इसलिए मैं कॉकटेल वाला ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। और भाई उसके बाद बारात हुई, तो बारात में तो भाई टाइम ही नहीं मिला, मैं मतलब इतना हैक्टिक हो गया था ना सीन, मतलब सीन ही नहीं बना कुछ ब्लॉग बनाने का। तो गाइस आज रिसेप्शन वगैरह, तो आज हम जा रहे हैं भाई अपनी बाइक का काम कराने। तो आप बोलोगे जानू यार आप बाइक का ही काम कराते रहते हो यार क्या चक्कर हो गया है, तो अभी बस ये लास्ट काम है, इसके बाद अभी कोई काम नहीं होगा, उसके बाद बस एक रैप होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं बचा बाइक में। तो चलते हैं गाइस फटाफट से निकालते हैं बाइक, मिलते हैं आगे। सो गाइस ये खड़ी है फाइनली अपनी जेड एक्सटेंडर, और ये चेक करो गाइस आज सुबह सुबह खुशखबरी आ गई, हमारा जो इस चैनल का एडसेंस पिन है वो आ चुका है। तो गाइस फटाफट से ये लगा लेते हैं, इसके बाद हमारी अर्निंग जो यूट्यूब से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी चेक करो फटाफट से जेड एक्सटेंडर बाहर निकालते हैं और निकलते हैं मस्सी राइड पे। फाइनली बाइक मैंने बाहर निकाल ली, आज आप बोलोगे जानू भाई इसकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है यार। तो गाइस आज मैं आपको बताया था मैंने इसमें डाल दिया भाई डीबी क्लियर आवाज कम करने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, तो अभी शादी वाला कर रहा था इसलिए यार एक दो दिन का शौक था मुझे ज्यादा आवाज का, तो अब डीबी क्लियर डाला और जैसे ही करके बाहर निकाला तो इधर फ्यूल का इंडिकेटर जो है वो चलना शुरू हो गया हुआ है। तो चलते हैं फटाफट से पहले फ्यूल डलाते हैं, क्योंकि भाई फ्यूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है सो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ भाई घर से। सो गाइस फ्यूल डल रहा है, टैंकी करवा रहे हम फुल। तो भैया देखो अगर 1400 का आ जाता है तो टेढ़ा निकाल दो, टेढ़ा कर दो, टेंशन मत ले भैया कह रहे हैं। तो गाइस फुल हो चुकी है हमारा टैंक। सो गाइस निकल चुके हैं फ्यूल अप वगैरह करवा कर। तो यार जो इसकी साउंड आ रही है ना भाई, अब भाई बहुत ही लीनियंट साउंड आ रही है, और मतलब कि बिल्कुल कम यार, ऐसे लग ही नहीं रहा कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ बाइक पे। तो यार यही मुझे चाहिए था, चलो शुक्र है डीबी क्लियर से भाई इतना फर्क तो पड़ता है, क्योंकि भाई वो जो साउंड आती है ना डीबी क्लियर निकाल के वो भाई इतनी ज़्यादा कि उसके भाई कान ही दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा साउंड है। तो मेरे को यार इतनी ज़्यादा साउंड का मतलब कोई शौक वगैरह नहीं है, मुझे बिल्कुल लीनियंट साउंड ही पसंद है। तो गाइस अभी मैं बताता हूँ मैं आपको कहाँ से क्या क्या करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस आज इसमें लगने वाले फ्रेम स्लाइडर वगैरह, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने पैसे वगैरह पहले ही दे दिए थे कावासाकी में, जब मैंने बाइक ली मतलब लेनी थी तो उससे पहले ही मैंने भाई पैसे दे दिए थे कि कभी भी बाइक मिस हैपनिंग यार देखो हो सकती है, हर एक बंदे के साथ हो सकती है, कभी भी बाइक वगैरह गिरे तो उसकी फेयरिंग वगैरह को नुकसान आए। फेयरिंग भाई 3-3 लाख की है, मैं कहाँ डलवाते फिरूंगा यार। तो गाइस अभी हम वही डलवाने जा रहे हैं, और भी बहुत सारा सामान आया है, तो चलते हैं। बाकी जो जो चीज़ें होती है ना भाई, जितनी चीज़ें डल सकती है 10R में, एक बार एंड्स को छोड़ के मैंने हर एक चीज़ डलवा दी, क्या रेडिएटर ग्रिल क्या एग्जॉस्ट भाई टेल टाइडी वगैरह, ये मतलब सारी चीज़ें डलवा दी जितनी भी चीज़ें हो सकती है। फ्रेम स्लाइडर रह गए थे, अब चलते हैं भाई फटाफट से डलवाते हैं फ्रेम स्लाइडर वगैरह। सो गाइस घर से निकलते ही हमें मिल चुका है ट्रैफिक, और सो गाइस फाइनली निकल चुका है यार हम ट्रैफिक से। ओ भाई ये क्या, ओ भाई बाइक में वार्निंग आ रही है यार, ओ गाइस बाइक में वार्निंग ईएसडी की लाइट आना शुरू हो गई है, पता नहीं ये क्या है यार। ओके भाई ओके ओके। सो गाइस अभी मैं रुका था, स्टीयरिंग डैम्पर की लाइट पता नहीं आना शुरू हो गई थी, वो देखना है। तो भाई सब्सक्राइबर मिल गए, अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, वो शायद से मेरे हिसाब से खड्डे वगैरह में गई थी, अभी पीछे यार थोड़ा ऑफ रोड था जहाँ ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ था तो उस वजह से आ रही थी। बाकी एक बार फिर हम कंपनी तो जा ही रहे हैं, तो चेक करा लेंगे भाई कि क्या है क्या नहीं मतलब। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर कावासाकी के, लगाते हैं भाई ऊपर बाइक, और ये लगी है भाई सक्षम की कावासाकी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है आपको पता ही था। ठीक है तो अब बताते हैं भाई इसको हम क्या पार्ट वगैरह डलवाने आए हैं और क्या सिस्टम है इसका, तो चलते हैं भाई। और भाई ठीक हो, और भैया ठीक हो, कहाँ होते हैं आजकल? इस फाइनली ये रहे हमारे फ्लेम साइडर ईवो टेक के, तो ये लग रहे हैं, बाकी सब तो लग ही चुका है यार, जैसे आपको पता है रेडिएटर ग्रिल वगैरह हमने डलवा दी हुई है, बस ये रह चुके थे तो ये डलवाने हैं। इसके बाद भाई बस यहाँ पे एक वो लगते हैं स्पूल्स बोलते हैं शायद उसको, वही लगना बाकी है, बाकी जो जो सामान लगता है भाई सारा लगा दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर लग रहा है अपनी बाइक में क्या लग रहा है भैया, फ्रेम स्लाइडर तो लग रहा है
मतलब माइनर वगैरह अगर गिर वगैरह जाती है तो भाई होप सो हमारी फेयरिंग को मतलब ये नुकसान वगैरह नहीं आएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे यार बाइक ना ही गिरे तो अच्छा है। ठीक है भाई, अब बहन की शादी हुआ था, हम राइड पे निकलने वाले हैं मैंने सुना है, कहाँ पर जा रहे हैं? जहाँ पे जाएंगे। तो गाइस कमेंट करके भर दो, जहाँ आप कमेंट करोगे ना उस जगह पे आपका भाई अब राइड पे निकल जाएगा। तो अब तगड़ी वाली राइड्स वगैरह जो है हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। गाइस यहाँ पर हम आए थे कावासाकी में, तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें डार्क स्पेक्टर भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया। तो ये वही भी है जिनकी भाई हम R1 लेकर गए थे, तगड़ी तरीके से चलाई थी। तो अब राइड पे कब आ रहे हैं भाई? भाई देखो सैटरडे को कह रहे हैं, सैटरडे को मोस्ट। तो गाइस सैटरडे को ना कावासाकी वालों की राइड है, सैटरडे को कावासाकी वालों की राइड है, तो सो हम आएंगे और भाई गदर में जाएंगे। क्या भैया अब ना एक कमेंट कर दो नीचे, जानू को मैं कह रहा हूँ कि रीट्यून करा लो, रीट्यून PC5 डाल दें। आप बताओ पावर कमांडर 6 डालना चाहिए उससे भाई बाइक जो है वो रॉकेट बन जाएगी, तो बताना यार। ऐसे भी रॉकेट ही है, ऐसे भी रॉकेट ही है, फिर मतलब हवा में ही उड़ेगी, मतलब हवा में ही उड़ेगी, तो बताना भाई वो डालना चाहिए। वो घड़ी हमारे भाई उसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, बट एक बार ये देखो यार, जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सीडेंट दिखाया था भाई इसका, तो भाई इस पे एस्टिमेट बना है भाई 2.5 लाख का। ठीक है 2.5 लाख का सामान इसमें डालना है। इसका टैंक ही सिर्फ भाई 90,000 रुपये का, मारो 97,000 का टैंक है इसका। बाकी यार नई बाइक भाई जब टूटती है ना वो दुख होता है, इसकी पहली भी मतलब सही तरीके से पहली सर्विस भी नहीं हुई थी मतलब कि बाइक की यार, तो ये नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाइक में करवाया। सो गाइस फाइनली हमारे EvoTech के यार ये डल चुके हैं फ्रेम लाइट, हमने ये भी मंगवाया था यार, यहाँ इनको क्या बोलते हैं भाई, फोक प्रोटेक्टर। तो भाई हमने फोक प्रोटेक्टर भी मंगवाए थे वो, पर अभी तक आए नहीं हुए। बाकी RNG की रेडिएटर व्हील भी उस दिन डल हुई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। फोक प्रोटेक्टर आगे के और पीछे के स्पूल्स हमने डलवा लिए, वो देख सकते हो आप, स्पूल्स हमने डला लिए। बाकी हर एक चीज़ डल चुकी है जो जो इसमें डलती है, बाकी लीवर प्रोटेक्शन डलती है यार, वो पर मैं डला नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं भाई साइड पे आपको जैसे पहले ही बताया मैंने, साइड पे आदर के डलाता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी है कुछ सोम भाई डलाने वाला? टेल टाइडी तो है हमारे पास, इंजन केसिंग। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है भाई इंजन केसिंग, जो इसी के ऊपर लगेगा, जैसे कभी भी बाइक डैमेज मतलब गिरती है डैमेज नहीं होगा उसको इंजन वगैरह को, तो बस वही बचा। बाकी हर एक चीज़ जो होती है ना 10R पे वो हमने डलवा दी हुई है भाई, देख रहे हो गाइस। तो गाइस अब निकलते हैं, अर्जुन भाई भी यहाँ से मतलब यहाँ हमारे साथ आ चुके हैं। तो इसके बाद आज हम कहाँ जा रहे हैं अर्जुन भाई? नहीं घूमेंगे तो सही, आज हमने जाना है मेन जगह। तो गाइस आज हम जा रहे हैं रिसेप्शन पे, हमने इतने दिन से शादी शुदी इंजॉय नहीं किया भाई, हम खाना खाना ही भूल गए आज हम भाई सारा खाना। सही बताऊँ तो मैंने शादी में खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। सही बताऊँ लोगों की प्लेटों से मैं मतलब जैसे कोई दोस्त आ रहा था तो मैं उसकी प्लेट से लिया होगा, पर ऐसे खाना नहीं खाया भाई। बाकी निकलते हैं गाइस इधर से, सोम भैया को कर देते हैं बाय बाय। तो गाइस यहां पे मैं आ चुका हूं NS पे, देखो मुझे कावासाकी वालों ने चैलेंज दिया कि भाई इस बाइक पे व्हीली मार के दिखा तो मानेंगे, तो देखते हैं भाई इस पे व्हीली बजती है नहीं। ठीक है तो लेट्स सी। गाइस अभी ये बोल रहे थे बिली नहीं बजेगी, तो आपने बिली देखी, बताना कमेंट करके कैसी लगी? जबरदस्त। मैं वही सोच रहा था एक और बोल रहे थे ना वो सिद्धा वाला सीन याद आ गया। नहीं अभी आप कह रहे थे बजेगी नहीं? नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैं कहा है उसकी बाइक कंडम है, खत्म है उसकी। तो गाइस ये सारे बोल रहे थे बजेगी नहीं, मजा आया ना? आप कह रहे थे बजेगी नहीं, ये कहते हैं मेरी बाइक सही नहीं है। सो हे गाइस आज है day 2 और मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ भाई जल्दी जल्दी में शूट, क्योंकि भाई आज मेरे एक दोस्त की ना प्री वेडिंग शूट था, तो उसको मेरी बाइक चाहिए थी, तो वो मेरी बाइक लेकर गया था। मतलब हम भी गए थे सारे नगरोटा वाली साइड, तो हम मैंने क्या किया, मैंने अर्जुन भाई को अपनी बाइक दे दी, मैंने कहा आप चल जाओ कावासाकी। तो मैं आपको बता दूँ वो कावासाकी क्यों गए हैं, क्योंकि गाइस आज है फाइनल ओपनिंग ऑफ कावासाकी, तो अभी हमें वहाँ से इनविटेशन आया, तो वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी अर्जुन भाई की बाइक लेके आ जाऊँ घर पे। अर्जुन भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं कावासाकी, तो निकलते हैं घर से विदाउट टाइम वेस्ट किए, मिलते हैं आपको सीधा कावासाकी। तो गाइस ये रही फाइनली अर्जुन भाई की बाइक, तो अब निकलते हैं यार भाई घर से फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा जो है लेट वो हो चुके हैं। तो गाइस फटाफट से खींचते हैं बाइक और भाई पहुँचते हैं कावासाकी। कावासाकी की राइड भी है कल या परसों, तो हमने वहाँ पर भी जाना है कल आई थिंक सो, तो हमें वहाँ पर भी जाना है। सारी सुपर बाइक्स आएंगी भाई मस्त मस्त सी, हायाबुसा R1 हमारी 10R और भी जितनी भी बाइक्स हैं जम्मू में कावासाकी, मतलब कावासाकी की या कोई भी सुपर बाइक सारी आएंगी। तो देखेंगे कल क्या सीन होने वाला है, कल भी व्लॉग जो है मस्त होने वाला है। उसके बाद राइड वाले व्लॉग के बाद हम करेंगे भाई अपनी ड्यूक पे व्लॉग, क्योंकि हमें जो भाई कटकुट मारने पे स्टंट शूट करने पे और भाई गदर मचाने उसी पे मज़ा आता है, तो मैं 10R लगा दूँगा उसके बाद घर पे, उसके बाद हम
चार पाँच दिन तो रेगुलर भाई ड्यूक पे ही ब्लॉग करने वाले हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे एक राइड पे। तो अब तो सक्सी सीन होने वाला गाइज, तो कमेंट करके बताओ यार कौन सी जगह पर आए। आए रस्ते में सीन हो चुका है यार, लड़ाई हो गई है, ठीक है पता नहीं वो देखो यार धक्के धुक्के चल रहे हैं भाई, वो देखो भाई तगड़ा ही सीन हो गया यार, वो गाइज थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं यार, थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं आपस में एक दूसरे को, मेटाडोर वाले और ऑटो वाले भैया की लड़ाई हो गई है। सो गाइज देख लो यार कावासाकी के बाहर तो मुझे इधर से ही रश वगैरह दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से आज तगड़ा ही गदर मचने वाला है इधर। हमारी 10R जो है वो उन्होंने अंदर खड़ी कर दिया, तो लगाते हैं साइड पे भाई। फाइनली हम इधर पहुंच चुके हैं। तिलोक भैया क्या हाल है भैया? हाँ जी, मैंने सुना आप अपनी KTM कस्टम करवाने का सोच रहे हो। और क्या, अच्छी वाली? ओ हम बहुत अच्छे लोग हैं। आए तीसरी 10R आ गई नहीं यार। सो गाइस यहाँ पे हमें बड़े बड़े ब्लॉगर भी मिल चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कौन सी 10R आई है, क्या आया, क्या भाई ठीक हो? सो गाइस इधर हमारी 10R की डिलीवरी चल रही है, तो देखते हैं भाई अपने हेड शॉट देखो बीच में लगा हुआ है। आपको भी आपको भी। सो गाइस ये खड़ी है हमारी 10R, तो अभी यहाँ पे शूट वगैरह चल रहा है, लाइट जल गई जैसी हम आए, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ वगैरह वाले भी आए हुए हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी ये रही अपनी भाई 10R। आज फाइनली जो कवर है जम्मू वाला वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ये भाई को कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये रही अपनी हेडशॉट। भैया आपने इसका डीपी क्लियर क्यों नहीं निकाला? निकाल लेते हैं। नहीं 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 भैया आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डीपी क्लियर इसका रहने देते हैं भाई। बाकी ये चेक करो यार, हमें फिर से डिलीवरी जो है अपनी बाइक की वो मिली है। बाकी अगर आपको नाम नूम का चक्कर नहीं लगे भाई अपने हेड शॉट। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है कोई न्यूज़ वगैरह का यार, देख रहे हो सीन। बाकी ये अर्जुन, अर्जुन इतना खुश क्यों हो रहे हो? आज हमें फिर से डिलीवरी मिली अपनी बाइक की। गाइस चेक कर रहे हो, मतलब चेक कर रहे हो आप गाइस? हाँ डिलीवरी दो मिली है गाइस, बाइक हमें एक ही दी है, चेक समझ नहीं आया चक्कर क्या हुआ। गाइस फाइनली इधर से निकल रहे हैं, इन सबको कर देते हैं सी ऑफ। तो भाई अब कल यहाँ पे यार जो है ऑफिशियली कावासाकी वालों की राइड है जो यहाँ से बरकाटा कंट्री को जाएगी, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार होगी। तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, कल विली पे विली चलेगी, विली पे विली चलेगी, कल विली पे विली चलेगी, विली पे विली मेरे से तो पॉलिश मारी हुई है, दो मिनट थोड़ा सा आराम से। गाइस इन्होंने हमारी बाइक पे टायर पे पॉलिश मार दिया, पता नहीं हम पहुँचेंगे घर, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा निकलते हैं। ओके भैया, तो गाइस अब व्लॉग करते हैं इसी के साथ यहीं पे, एंड कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जय स्टार्स।